बिजनौर के थाना क्षेत्र बढ़ापुर के ग्राम कुनेटा में एक मासूम की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा भी किया है। आपको बताते चलें कि समीम अहमद का मासूम पुत्र अबुजुर घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था, लेकिन जब गांव में उसकी तलाशी ली गई तो उसका शव गांव के ही बाहर मिला। शव को देखकर परिजनों में हाहाकार मच गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जल्द से जल्द मामले का खुलासा करने की बात कही। पुलिस ने जल्दी इस मामले का खुलासा करते हुए मासूम की हत्या के मामले में उसकी सगी चाची ने उसकी हत्या की थी। पुलिस के मुताबिक उसकी चाची ने मासूम की केवल इस बात के लिए हत्या कर दी कि जमीन का बंटवारा ना हो सके। इसमें थाना बड़ापुर के क्षेत्र में शमीम अहमद है, उन्होंने थाना पुलिस ने रिपोर्ट लिखाई कि उनका 15 माह का बेटा जो है और वो गायब है, उन्होंने इसकी हत्या की आशंका जताई। इस संबंध में उन्होंने अपने गांव की ही जो है गुड्डू और रोशन नाम की दो युवतियों पर शक भी किया कि इन्होंने ही इसका जो है अपहरण करके और इनको ही जानकारी है। इसके बाद इस संबंध में थाना पुलिस से रिपोर्ट होने के बाद पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए खोजबीन शुरू की और 7 तारीख की सवेरे इस बच्चे का शव उस गांव के ही जंगल में मिला, जिसकी जो है वो सर पे कोई भारी चीज़ मार के उसकी हत्या कर दी गई थी। इंस्पेक्टर बड़ापुर और उनकी टीम ने इसकी खोजबीन की और हमने डॉग स्क्वाड का और फॉरेंसिक टीम का भी सहारा लिया, तो इसमें कुछ इस तरह की कहानी बात प्रकाश में आई कि ये बच्चा जो है वो जो शमीम अहमद थे उनका गोद लिया हुआ बच्चा था और इनके परिवार में 4 भाई थे जिसमें 2 की संतान नहीं थी और 1 को 2 बेटे थे और 1 को 2 बेटियाँ थी। तो इनके पास करीब करीब 38 बीघा ज़मीन थी जिसका जो है वो बंटवारा ना हो सके, इस वजह से इनकी जो मतलब छोटी बहू थी यानी इनके छोटे भाई की वाइफ, उसने जो है गांव की 2 युवतियों के साथ जिनका नाम गुड्डू और रोशन था उनको 50,000 रुपये का लालच दिया कि तुम इस बच्चे का अपहरण कर लो और इसको मार दिया जाएगा, तो जो और तो पैसा मैं बाद में भी दूंगी और 50,000 रुपये पहले ही देने का वादा किया। 5 तारीख को ही जो गुड्डू और रोशन है इन्होंने जो है उस बच्चे को बुला लिया, क्योंकि वो पहले से भी वहाँ जाया करता था, और उसके बाद उस बच्चे को ले जाके इन 4 लोगों ने अपने घर में ही मार दिया और मारने के बाद जब ज़्यादा तलाश हुई तो चुपचाप ले जाके इसको जंगल में फेंका। इस पूरी टीम जो पुलिस टीम थी उसने काफ़ी मेहनत का काम किया और इस केस को अनावरण करने में। इसमें साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा जो हमारे पुलिस लाइन बिजनौर का उड़ान नाम का जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसने भी बहुत मदद की और जैसे ही वो डेड बॉडी का स्थान जो उसने उसको वहाँ पर वो किया गया तो उसने तत्काल जो है सबसे पहले जो है वो जो दोनों युवतियों ने उसकी हत्या की थी उनके ही घर में जाके उसको कैच किया और इसी से तफ्तीश आगे बढ़ी। बाद में सर्विलांस और मुखबिरी का सहारा लेकर इस पूरी घटना का पर्दाफाश किया। हमारे SSP जो बिजनौर हैं उन्होंने इस पूरी टीम को जो है 10,000 रुपये इनाम में देने की घोषणा की और साथ ही जो हमारा डॉग स्क्वाड है उसको अलग से भी पुरस्कृत करने की घोषणा की। घर के पास ही है सब हाँ। मैं तो किसी से तब लड़ाई ना कुछ नहीं आती। लड़की ले गई बस, ये लड़की ले गई बच्चे को, बस इसके साथ गया है बच्चा। पुलिस ने चाची के साथ उसकी सहेली व एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है और मामले की आगे की तफ्तीश भी शुरू कर दी है। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता बिजनौर से फहीम बेग की रिपोर्ट।